दिल्ली के एमसीडी चुनाव में प्रचार करने जाएंगी मायावती। बसपा ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होनी है। नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हारने वाली बसपा ने एमसीडी चुनाव में जोर शोर से उतरने का फैसला लिया है। बसपा ने सभी 250 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। दिल्ली के नगर निगम चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती भी प्रचार करने जाएंगी। बसपा ने एमसीडी चुनाव के लिए शुक्रवार को 40 स्टार प्रचारक की सूची जारी कर दी है। इसमें मायावती, उनके भाई आनंद कुमार और उनके भतीजे आकाश आनंद का नाम भी शामिल है। खास बात यह है कि आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव की तरह इस लिस्ट में भी बसपा में नंबर दो कहे जाने वाले सतीश चंद्र मिश्रा का नाम ही गायब है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से शासन कर रही है। पिछले एमसीडी चुनाव में 2017 में भाजपा ने कुल वार्डों में से 2/3 पर जीत हासिल की थी। 2017 में बीजेपी न सिर्फ जीत की हैट्रिक बनाई थी बल्कि 2017 में 181 सीट, 2012 में 138 सीट से भी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया था। आम आदमी पार्टी ने पहली बार 2017 में एमसीडी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी। पार्टी ने 49 वार्डों में जीतने में सफल भी रही थी। तब कांग्रेस पार्टी 31 वार्ड पर जीती थी।